नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। और शुरुआत तो एक्चुअली हम ओरेकल कार्ड्स के साथ में कर रहे हैं, और ये जो रीडिंग है ये क्रश सिचुएशन के ऊपर है, यानी कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आप उनके इमोशंस जानना चाहते हो अपने टूवर्ड्स, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स कैसी है। अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए और तीन बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए। सबसे पहला कार्ड आपका निकल के आया है आंसर्स अराइविंग। कुछ ऐसे आंसर्स हैं जो आपको इस पर्सन के थ्रू मिलने वाले हैं। देयर इज अ मैसेज अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। फ्लर्टिंग होने वाली है क्रश के साथ में, अ लॉट ऑफ फ्लर्टिंग। कई सारे लोग जो हैं वो अपने ट्विन फ्लेम के आसपास में हैं, या अपने ट्विन फ्लेम से आप मिल चुके हो। देयर इज अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव बिल्डअप होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी जो है वो इस कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक यानी कि ओवरऑल एनर्जी इस सिचुएशन की, इस कनेक्शन की है लिव योर पैशन। आपको और आपके पर्सन को, दोनों को या तो ये सलाह दी जा रही है, ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी जो हॉबी है उससे जुड़ें, या जो भी पैशन है आपकी लाइफ का वही आपका सोल पर्पस है, एंड समहाउ इसी के थ्रू आप अपने जो लाइफ पार्टनर हैं या आपके जो ट्विन फ्लेम है उनसे आप जुड़ पाएंगे। ऑल दो येस, बहुत सारे लोगों को इस चीज का डाउट होता है, या डाउट नहीं कहूंगी मैं, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस काफी रेयर होते हैं गाइस, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होते हैं, बट देर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि इस समय पर कोई ट्विन फ्लेम है जो ये रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके लिए मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ मे बी आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख रहे हो और आप इनको पूरी तरीके से बताना भी नहीं चाह रहे हो। देर इज दिस हेजिटेशन दोनों की तरफ से, लेकिन लाइकिंग भी दोनों की तरफ से है, और आप दोनों ही एक बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट या एक बहुत ही अलग तरीके की एनर्जी एक दूसरे के आसपास में महसूस करते हो। ऐसा हो सकता है कि ये जो ऊर्जा है, ये जो एनर्जी है, ये जो अट्रैक्शन है, ये आपको अभी लग रहा हो कि मे बी ये जस्ट फिजिकल लेवल पे है, या आपको सिर्फ सामने वाले का चेहरा, उनकी पर्सनैलिटी पसंद आ रही है, मे बी उनकी आवाज पसंद आ रही है, या उनकी फिजिक पसंद आ रही है, बट दिस इज समथिंग वे मोर डीपर देन जस्ट द आउटसाइड अपियरेंस ऑफ अ पर्सन। सिर्फ ऊपरी सतह की ये अट्रैक्शन नहीं है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी डीप जो कि आपको आने वाले टाइम में धीरे धीरे सीक्रेट्स अनफोल्ड होंगे इस कनेक्शन में, और आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस व्यक्ति से जुड़ने के बाद, इस जर्नी में आगे बढ़ने के बाद, और इनको भी सेम वे बहुत सारे लेसन अपने बारे में जानने को, समझने को मिलेंगे जैसे जैसे ये अपनी जर्नी में आपके साथ में आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक लेसन तो शायद आप लोग ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो, विच इज रिलेटेड टू द सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आप दोनों अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप दोनों अपने 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 आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी इज्जत करना सीख रहे हो, या अपने बारे में आप लोग सोचना सीख रहे हो, या अपने ऊपर आप लोग काम करना शुरू कर रहे हो somehow, because जो भी रिश्ते हैं, जो भी कुछ है, वो सब कुछ आप ही से शुरू हो रहा है, राइट? तो वो आपने इस कनेक्शन को अगर बेहतर करना है तो यहाँ पे, या इसमें आप ग्रो करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और अपने अपने खुद के बेटरमेंट और स्टेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, राइट? आपकी एनर्जीज भी मुझे और निखरती हुई और बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है एज यू ग्रो फॉरवर्ड इन दिस कनेक्शन, जैसे जैसे आप इस जर्नी में, इस कनेक्शन में आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी टैरो कार्ड्स के हिसाब से एक बार देखते हैं टैरो कार्ड्स हमको क्या बताते हैं। जिनको आप पसंद करते हो, जिनके साथ में आपकी क्रश वाली सिचुएशन है, इस व्यक्ति के इमोशंस आपके लिए कैसे हैं, स्पेशली इस टाइम पर कैसे हैं? वी हैव द जस्टिस कार्ड। कुछ जस्टिस आपको मिलने वाला है मे बी। ओके, पहले से आप इस सोल को जानते हो, अनकंडीशनल लव दोबारा से, विद द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, अभी जिस हिसाब से आप लोगों की कन्वर्सेशन होनी चाहिए वैसे आप लोगों की कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है।
या उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिवनेस नहीं है इस इंसान में, अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या आप अपने पुराने रिलेशनशिप के ट्रॉमास को इस कनेक्शन के साथ में लिंक कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले कभी आपको धोखा मिला है, या आपको किसी ने लेट डाउन किया है या रिजेक्ट किया है, कहीं ऐसा ना हो कि वही रिजेक्शन दोबारा से भी फेस करना पड़े। ये फियर आपका भी हो सकता है, सामने वाले पर्सन का भी हो सकता है, और ये कंबाइंड फियर भी हो सकता है जो आप लोग मिलकर के एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली एक अननेसेसरी ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। तो इस फियर को लेट गो कीजिए। इफ यू रियली लाइक दिस पर्सन देन आप डेफिनेटली यू कैन गो अहेड इन दिस कनेक्शन, स्पेशली अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ में मैच कर रही है। मुझे दोनों की तरफ से अनकंडीशनल लव और बहुत ज्यादा सूदिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स जस्ट दैट दोनों के दोनों एक दूसरे को वो अपना जो प्रेम भाव है या अपनी जो लाइकिंग है उसको खुल करके जता नहीं पा रहे हैं। रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, हर किसी की लाइफ की अलग ही जर्नी चल रही है, तो हर किसी का एक अपना अलग रीजन हो सकता है, लेकिन मेन जो वजह यहाँ पे दिखाई दे रही है स्पिरिट की तरफ से वो यही है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। और वो ये डर भी है, फियर भी है कि कहीं पुराने रिलेशनशिप जिस तरह से फेल हुए हैं, या जिस तरीके से पुराने रिलेशनशिप्स में उनको मतलब लेट गो करना पड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस रिलेशनशिप में भी ऐसा हो, या इस जर्नी में भी इस तरीके का एक्सपीरियंस उनको करना पड़े। तो वो एक घबराहट है, वो शायद आपके अंदर भी है और सामने वाले पर्सन के अंदर भी है। सम हाउ आई कैन सी कि ये इंसान आपको किस नज़र से देखते हैं। दे फाइंड यू एज समन हु इज़ वेरी वेरी बैलेंस्ड एंड समन हु इज़ वेरी काम। ऐसा इंसान जो शांत रहता है, ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में मगन रहता है, लिव एंड लेट लिव वाले फार्मूला को फॉलो करता है अपनी लाइफ में, जिसको खुश रहना पसंद है, जिसे ज़्यादा ड्रामा नहीं चाहिए, एक्सेस बेकार का अननेसेसरी ड्रामा जिसको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। समवन हु इज़ वेरी वेरी मच्योर ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम मच्योर होने के साथ साथ मच्योर डजंट मीन बीइंग बोरिंग। आप इनको बोरिंग नहीं लगते हो, जैसे कई लोग मैच्योरिटी को सीरियसनेस के साथ में लिंक करते हैं कि अगर कोई चुप रहता है, अगर कोई गुस्सा ज़्यादा करता है तो वो मैच्योर पर्सन है। नो, मैच्योरिटी इज़ अबाउट हाउ यू टैकल पीपल, हाउ यू टैकल सिचुएशंस अराउंड यू। मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम कड़क सिंह आप बन जाएंगे, तो वैसी वाली वो चीज़ नहीं है। दे फील कि आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, मेंटली आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हो, और मे बी इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया है आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा कि आपने किसी सिचुएशन को मे बी बहुत अच्छे से टैकल किया है। आप लोगों का वर्क प्लेस कनेक्शन हो सकता है, स्कूल यूनिवर्सिटी वाला कनेक्शन हो सकता है, नेबरहुड हो सकता है, क्योंकि कहीं आसपास ही प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पे क्लोजनेस है काफ़ी ज़्यादा, आपके आपके एरिया के आसपास में कहीं ये पर्सन है। दे फील दैट यू विल बी अ वेरी गुड लाइफ पार्टनर। अगर ये बहुत लंबे लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की तरह अगर आपको देखें तो इनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अच्छे पार्टनर इनके लिए साबित हो सकते हो, और आपके साथ में दे कैन बी वेरी वेरी हैप्पी एंड कम्फर्टेबल। ओके, कि आपसे दे कैन शेयर एवरीथिंग, अपने मन की हर बात आपसे शेयर कर सकते हैं, एंड यू विल नॉट जज देम, आप जजमेंटल नहीं हैं। इनफैक्ट आपकी ये खूबी है कि अगर कुछ परेशानी है तो आप उसका सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचते हैं, रादर देन ब्लेमिंग द अदर पर्सन। इस किसी और को ब्लेम करने से बेटर या किसी और को ब्लेम नहीं करते हैं आप, सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक, इनको जो चीज़ आपकी अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ी बॉदर कर रही है वो बात भी यही है कि आप बात नहीं कर रहे हो ज़्यादा, या आप अपने मन को अपने मन की बात को शायद खुल के नहीं बोल पा रहे हो। मे बी आप लोगों के बीच में कुछ हिंट्स हैं जो एक्सचेंज हो रहे हैं, बट खुल करके कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आ पा रही है, एंड इस कंफ्यूजन में आप में से काफ़ी सारे लोग अटके हुए हैं कि आगे कुछ होगा भी या नहीं होगा, और बस चोरी छुपे वो गाना नहीं है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, वैसी वाली वाइब चल रही है यहाँ पे मुझे, काफ़ी सारे लोगों की वैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। राइट, सो गाइज ये इनकी आज की एनर्जी है। देर इज़ अ लॉट ऑफ लाइकिंग, देर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन, देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन दिस कनेक्शन। काफ़ी पॉजिटिव और फुल ऑफ एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे, काफ़ी कुछ हो सकता है इस जर्नी में। सो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आई रियली होप कि आप सबको अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ मिले, एंड यू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ हाई वाइब्रेशनल पीपल अराउंड यू। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों को अपने आसपास अट्रैक्ट करें, ऐसे लोगों से आपके रिश्ते बने और आप खुद भी पॉजिटिव एनर्जीज में रहें। फिलहाल आज की रीडिंग के लिए इतना ही। जाते जाते गाइस इस वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, दैट इज़ द एनर्जी एक्सचेंज फॉर दिस रीडिंग।
और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर। जय गुरु जी।